मैं हूँ अनीता बलवीर। अनीता बलवीर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बनाएंगे सेम की सब्जी। इसे मराठी में वालाचा सेंगा मनता था और हिंदी में इसको बल्लर की फली कहते हैं। ये बल्लर की फली बनाने से पहले ये बल्लर की फली को ये जो आगे और पीछे से जो ये भाग होता है इसको ऐसे निकालते हैं और ये जो है ना ऐसे रेशा दोनों इधर से इसके ऐसे रेशा निकलना चाहिए। और इसको निकालते समय भी ऐसे आधा 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 या 1 इंच के टुकड़े में हाथ से ही इसको तोड़ा जाता है और ऐसे निकाल लेते हैं, ताकि ऐसे निकालेंगे तो अपन जब खाना खाते हैं तो ये अपने मुंह में नहीं आता है इस वजह से, और अच्छे भी नहीं लगते हैं ऐसे मुंह में आते हैं, तो इसी वजह से इसको ऐसे करके निकाल दिया जाता है। और आप इस फली को ऐसे ऐसे ही बना सकते हैं या फिर इसके ऐसे दो भाग करके ऐसे टुकड़े करके भी बना सकते हैं। ये ऐसे मैंने आपको बताने के लिए ये 4 फली रखी हुई थी, बाकी की सब फली को मैंने तोड़ लिया, धो लिया है इसको। बल्लर की फली को बनाने के लिए एक बड़ा प्याज लिया है और एक बड़ा टमाटर भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे छोटे छोटे टमाटर रहे तो 3 टमाटर लीजिएगा। बल्लर की सब्जी को बनाने के लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें अपन डालेंगे 2 चम्मच तेल, ये अपना तेल गरम हुआ कि नहीं, थोड़ा सा जीरा डाल के। हाँ, अपना तेल गरम हो चुका है। 1 चम्मच डालेंगे जीरा, इसमें डालेंगे प्याज, देखिए अपना प्याज सुनहरा हो चुका है। अब अपन डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें 1 चम्मच। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच मूंगफली दाने का पाउडर, धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें डाल देंगे अपन बारीक कटा हुआ टमाटर। और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार नमक डालिएगा आप भी अपनी सब्जी में, मैं भी स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। और इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और टमाटर को पकने देंगे और इसे टमाटर को पकने के लिए ढक के रख देंगे। देखेंगे अपन अपनी सब्जी को, पूरा ऊपर तेल आ चुका है अपना, अपनी ग्रेवी बढ़िया पक चुकी है, टमाटर भी बढ़िया गल चुकी है। टमाटर को बढ़िया प्रेस कर लेंगे अपन, बढ़िया टमाटर गल चुके हैं। अब अपन डाल देंगे ये सेम की फली, और इसी में डालूंगी मैं
आधा चम्मच गरम मसाला, ग्रेवी में मिक्स कर देंगे अपन सेम की फल्ली को और ढक के रखेंगे। देखेंगे अपन सब्जी को, अपनी फल्ली पक चुकी है, दाने भी बढ़िया पक चुके हैं, देखिए टूट रहा है। अगर ये फल्ली ऐसी अगर पकी नहीं तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिए आधा चम्मच और इसे धीमी आंच पे ही पकने दीजिए। अपनी फल्ली पक चुकी है, ये फल्ली बहुत आसान है इस फल्ली को बनाना, और उससे भी अच्छा ये है कि ये फल्ली बहुत टेस्टी बनती है। अब अपन डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और गैस बंद कर देंगे। अपनी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए अपनी बल्लर की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। आपको बल्लर की सब्जी बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। आप भी बनाकर देखिएगा और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।